साई तीर थीम पार्क के अंदर बहुत सारे शोज होते हैं, ये तो ड्रीम कम ट्रू है। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है, जब इंसान करता स्वयं है ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है। अभी हम लोग पहुंचे हैं साई तीर्थ थीम पार्क। साई तीर्थ थीम पार्क के अंदर बहुत सारे शोज होते हैं, ये साई तीर्थ थीम पार्क। यहाँ पे हम लोग अभी पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे कि 5D मूवी है, बहुत सारे धाम का यात्रा होगा और साथ में एक रोबोटिक शो है वो भी होता है। तो जैसे कि देख पा रहे हो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत बड़ा है, प्रिटी बिग इट इज, ये तो ड्रीम कम ट्रू है, मैंने रील भी बनाया इसके ऊपर। ये इतना बड़ा है, अशोक चक्र ऐसा लगता है, बट बहुत बड़ा है। ये कैमरा में भी नहीं आ रहा, एक बार डेफिनेटली आओ आप साई तीर्थ में घूमने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है और ये यहाँ पे फ्रंट गेट है। तो टिकट काउंटर हम पूछते हैं कि कितना रेट है, क्या रेट है और क्या क्या मिलता है, हम बताते हैं। 5:30 का एंट्री टिकट है और उसके अंदर क्या क्या आता है, 10 प्रसिद्ध मंदिरों की तीर्थ यात्रा, भव्य स्क्रीन पर साई चरित्र, 5D शो लंका दहन का है और एक शानदार रोबोटिक शो साई बाबा के ऊपर। कॉम्बो ऑफर है यहाँ पे 12:19 के अंदर और 13:25 वीकडेज एंड वीकेंड का। हम लोग टिकट काउंटर से अभी टिकट लेंगे। डेफिनेट आप एक बार आओ यहाँ पे, एक्सपीरियंस करो, ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए एक्चुअली। एक तो माइंड फ्री होगा और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा, तो डू कम एंड विजिट। पर पर्सन 530 रुपीज़, उसमें सारे शोज है। कितना घंटे का शो है? थ्री आवर्स लगेगा। अगर मुझे एक शो देखना है तो सभी शो का एक टिकट। सो साई थीम पार्क में आपको एंट्री करना है और एंट्री करने के टाइम पे आपको यहाँ से है और वहाँ से है सिक्योरिटी, वहाँ पे आपको एंट्री करना है। उसके बाद आपको टिकट लेके यहाँ पे स्ट्रेट जाना है। तो यहाँ पे देखो आप, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा रहे हैं, तो यहाँ पे द्वारका में ही घूमते हैं। द्वारका में शो के बाद आपको आगे जाना है। शो देखने के बाद आपको बताने वाला है कि इसका शो का एक्चुअल क्या वैल्यू है, या आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए, डेफिनेटली एक बार आओ। तो लेट अस गो एंड वॉच द शो। नमस्कार, भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। द्वारका में लंका दहन, सबका मालिक। मैंने सारे शोज देखा, शोज तो बहुत अच्छे हैं, एक बार देखना चाहिए आप लोगों को आके। अगर आपके पास 3 घंटा प्रॉपर टाइम है तो आप आओ और आप ये शोज एंजॉय करो। तो ये एक बहुत बड़ा हॉल है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आया हूँ या तो फिर इंटरनेशनल कोई एक टेम्पल है उसमें आया हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत क्लीन है, ये कोई तो मेटल कॉइन से बना है, बहुत बड़ा क्रिएटिविटी है, बहुत बड़ी मूर्ति है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को, आपको अगर आना है तो डेफिनेटली एक बार आओ। 360 वाला वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये वो मशीन ट्राई करने के लिए फ्री है, लेकिन 200 रुपीज़ चार्जेस लगता है यहाँ पे। अगर आपको देखना है तो एक बार देख लो आके, डेफिनेटली। केड़ा शाहरुख खान, मुझे ये आप मोबाइल में दोगे, व्हाट्सअप भी करोगे क्या? यहाँ पे आप एयर ड्रॉप भी ले सकते हो और व्हाट्सअप भी ले सकते हो, तो अगर आपके पास आईफोन है तो आप एयर ड्रॉप ले लो, बहुत हेल्पफुल है लोग। शाहरुख खान से चिक के आया था मैं, चलो स्टॉप कर। ये एक फाउंटेन है, ये फाउंटेन बहुत अच्छा है। लेफ्ट साइड में आपको वॉशरूम है, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना खाना है तो किसी को खाना खा सकते हो। इनका एक्चुअली कूपन भी मिलता है शायद, फूड कूपन के साथ, जैसे ही आप कूपन लेते हो उसमें कूपन मिलता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है और फूड कूपन के अंदर लिखा रहता है 30-40 रुपीज़ का कुछ एडिशन होता है टिकट काउंटर के। अगर 540 रुपये या 550 रुपये का टिकट होगा तो उसमें 40 रुपये और ऐड करते हैं, 30 रुपये और ऐड करते हैं और उसमें आपको एक लिमिटेड खाना कूपन मिलता है। यहाँ पे
फाउंटेन का बहुत अच्छा व्यू आएगा ऊपर कि बॉच है, मतलब अच्छा दिख रहा है, और हाइट जानबूझ के बढ़ा के रखा है ताकि वो गिरे ना। नाइस, तो फाउंटेन बहुत प्यारा है। ये एक ओपन स्पेस है, यहाँ पे आके आप फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे होटल्स, एक्चुअली तो हर जगह पे होटल्स है। यहाँ पे साईं बाबा का एक मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है ये। यहाँ पे फोटोशॉप नॉट फोटोशॉप सॉफ्टवेयर फोटो के शॉप है, आर्ट है, आर्ट गैलरी का है। साई न्यू सिल्क पैलेस, पैठानी नाम का एक साड़ी है, टाइप है, जो कि सबसे महंगा साड़ी और सिल्क से बना हुआ होता है। अगर आपको कुछ भी खरीदना आप यहाँ से खरीद सकते हो। कंटिन्यूसली हैंडलूम के ही है और ये हैंडमेड बैग्स वगैरह है। वाओ, दिस इज़ नाइस। 64 आवर्स में इन्होंने एक बनाया हुआ है ये चीज़, रूबी क्यूब्स यूज करके। उनका नाम है चिन्मय प्रभु। नाइस, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। इसके अंदर 4212 क्यूब्स यूज़ किया है और 64 आवर्स में बनाए, लगभग 3-3.5 दिन। और ये ऐसा बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे दिखा रहे हैं आप, अगर यहाँ पे देखोगे, नॉट ए स्मॉल जॉब। नाइस, रियली हार्ड वर्क, अप्रिशिएट। बच्चों के खेलने के लिए आप अगर खेलना है तो आप बच्चों के लिए रिमोट कार है, एक्चुअली मेरे हिसाब से वर्थ इट है। तो एक बार डेफिनेटली आप इधर आओ और शोज़ देखो, शोज़ बहुत अच्छे हैं। फूड कूपन के साथ भी मिलता है, विदाउट फूड कूपन भी मिलता है। हमने विदाउट फूड कूपन लिया था बिकॉज हम लोग प्रसाद खा के आए थे। ये बहुत अच्छा जगह है, हर एक चीज़ एक बार करना चाहिए एक्सप्लोर। तो फाइनली मैंने तो एक्सप्लोर कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर यू गाइज। मैं एक्चुअली आप लोगों के वजह से यहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप आया हुआ है जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत अच्छा लग रहा देख के। तो ऐसे अगर कभी आना है तो डेफिनेटली एक बार आओ ग्रुप बना के, मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय नेम इज रंजन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।